तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएल एसक्यूएल, व्हाट इज द पीएल एसक्यूएल, पीएल मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब हम लोग ने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज देखा और हम लोग पीएल में क्या अंतर है। बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में जितना भी हम लोग ने कमांड फंक्शंस को यूज़ किया ये सारे प्री डिफाइंड था जिसका हम लोग ने यूज़ किया, और ये सारे कमांड को हम लोग कहीं पर स्टोर करके रखने का काम नहीं किए। जैसे जैसे हम लोग काम करते गए हम लोग ने यूज़ करते चला गया। लेकिन हम लोग पीएल में इसका क्या करते हैं कि हम लोग खुद से प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं, और ये हमारे अकॉर्डिंगली फर्दर जब भी इसकी ज़रूरत हो अब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सके, दैट इज़ कॉल्ड एन प्रोग्राम। जैसे हम लोग ने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब ये कमांड हम लोग जब यूज़ कर रहे थे डेटा को डिस्प्ले करने हम लोग ने लिख रहा था। अब हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम लोग इस कमांड को लिख के रखें और जब हमको ज़रूरत पड़े तो हमको लिखना नहीं पड़े, हम केवल फाइल को रन कराएं, ये हमारा सारा डेटा डिस्प्ले करने का काम कर दे। तो जहाँ पर हम लोग लिखने का काम करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डेवलप बाय द ओरेकल कॉर्पोरेशन 1980s के दशक में इसको डेवलप किया गया था, क्योंकि इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो स्टूडेंट टेबल से जो भी रिकॉर्ड था वो सारे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पर डिस्प्ले करने का काम करता है। हम लोग चाहते हैं कि वो मेरे अकॉर्डिंगली हम जैसे चाहें उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले करने का काम करे, तो उसके लिए हम लोग को पीएल यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरे अकॉर्डिंगली आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो चलो बच्चों हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैसे काम करते हैं, क्या इसके लिए कोई हम लोग को अनदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। नहीं, जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे थे उसी में हम लोग काम करेंगे, बट तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ओरेकल को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज करना होगा यानी सर्वर को वन करना होगा, सेट सर्वर आउटपुट वन। यानी अब जो हमारे पास अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी पैनल जो रन करा रहे थे वो हमारा क्लाइंट मोड में काम कर रहा था, लेकिन जब पीएल की हम लोग बात करते हैं तो पीएल हमारा हमेशा सर्वर पर रन करता है, इसीलिए सर्वर को हम लोग को वन करना पड़ता है। तो चलो हम लोग देखेंगे कि सर्वर को हम लोग वन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक कमांड हम लोग लिखते हैं सेट सर्वर आउटपुट वन, सेट सर्वर आउटपुट। हम लोग यहाँ पर आउटपुट एक साथ लिखेंगे वन, हम लोग यहाँ पर सर्वर हमारा वन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एडिटर को ओपन करेंगे और एडिटर को ओपन करने के बाद जो भी हम लोग को काम करना रहेगा हम लोग एडिटर पर लिखने का काम करेंगे। अगर हमारे पास नोटपैड है तो हम लोग सिंपली नोटपैड पर लिखेंगे, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग एडिट कमांड के थ्रू हम लोग काम करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, यहाँ पर वर्क करेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि पीएल वर्क कैसे करता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे वाकई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से डिफर क्यों है। तो सबसे पहले चलो बच्चों हम लोग देखते हैं अब ये काम कैसे करेगा, इसको हम लोग समझते हैं। अब ये हम लोग यहाँ पर ओपन कर दिए, अब हम लोग एडमिन में है या क्लाइंट्स में है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि सर्वर को हम लोग वन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सेट सर्वर आउटपुट वन हम लोग ने कर लिया, अब हमारा सेट सर्वर आउटपुट वन हो गया। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि काम कैसे करता है। तो चलो हम लोग अब यहाँ पर एडिट कमांड लिखते हैं या सिंपली हम लोग नोटपैड पर बार बार हम कर रहे हैं, या तो हम लोग एडिट कमांड के थ्रू इसका एडिटर ओपन करेंगे या सिंपली हम लोग नोटपैड पर प्रोग्राम लिख के यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग प्रोग्राम को रन कराने का काम करेंगे। तो एडिट, अब मान लो हम लोग यहाँ पर ई ड्राइव में नाम हम लोग ने रखा पी वन प्रोग्रामिंग वन डॉट एसक्यूएल, एसक्यूएल दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल। अब ये देखो इसका एडिटर ओपन हो गया, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं P1। अब यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को लिखने का काम करेंगे, कुछ प्रिस्क्राइब चीज़ें केस सेंसिटिव होता है और नहीं तो हम लोग यहाँ पर अपर केस और लोअर केस में लिख सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को हमेशा जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिक्लेयर, हम लोग डिक्लेरेशन का काम करेंगे। जब भी हम लोग प्ले हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो सबसे पहले डिक्लेयर होने का काम होता है,
और डिक्लेयर होने के बाद हम लोग उसको प्रिंट करने का काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्क करने का काम करते हैं। तो बच्चों चलो पहले हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं डिक्लेयर। डिक्लेयर हम लोग ने कर लिया, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम मैसेज। हम लोग ने एक ले लिया वेरिएबल का नाम, मैसेज रख ला या व्हाटएवर जो भी आपको लेना है। हम लोग यहां पर भरकर टू एंड मान लो साइज हम लोग ले लिया यहां पर 40 ले लिया। अब हम लोग यहीं पर डायरेक्टली असाइन करने का काम करते हैं। असाइन करने के लिए हम लोग यहां पर असाइन हम लोग कॉलन लगाए असाइन इक्वल टू। अब यहां पर हम लोग सिंगल कोट्स में लिखेंगे हेलो या हाय दिस, हाय दिस इज आर्गस एकेडमी, मैसेज हम लोग ने लिख लिया या जो वॉट एवर आपको जो मन है वो लिखेंगे। हम लोग यहां पर हमने टर्मिनेट कर दिया। अब बिगिन, बिगिन मतलब प्रोग्राम को, अब हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम हो गया, अब बिगिन मतलब प्रोग्राम को लिखने का काम करेंगे बिगिन। अब चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं dbms underscore output dot। dbms output क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। अब हम लोग dbms output, अब हम लोग यहां पर लिखते हैं put underscore line। what is the put underscore line, this is called as an functions। तो फंक्शंस जब भी हम लोग कॉल करते हैं ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है। तो हम लोग ने यहाँ पर dbms output ऑब्जेक्ट नेम put line दैट इज कॉल एज एन फंक्शंस नेम। अगर हम लोग यहाँ पर मैसेज लिखना चाहते हैं तो सिंगल कोट्स में, अगर वेरिएबल में हम लोग होल्ड करके रखे हैं तो सिंपली हम लोग वेरिएबल का यहाँ पर नाम रखेंगे। तो व्हाट इज द वेरिएबल नेम इज अ मैसेज हम लोग यहाँ पर लिखने का काम कर लिया। देन टर्मिनेटर, अब यहाँ पर एंड हम लोग ने कर दिया, कंट्रोल एस कर लिया, सेव कर लिया। अब सिंपली अब इसको हम लोग क्लोज करने का काम कर लेते हैं। हम लोग चाह रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस में या सिंपल नोटपैड में। नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस में क्या अंतर होगा बच्चों, इसमें कलरफुल नहीं दिख रहा है, और यही चीज़ अगर हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में यूज़ करते तो ये कलरफुल में दिखता। तो अब चलो हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं, हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब चलो हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे कि अब ये रन कैसे करता है। अब इसको रन कराने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब एडिट के जगह पर हम लोग यहाँ पर एट द रेट का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ने लिखा, तो देखो यहाँ पर हाय दिस इज आर्गस एकेडमी, हाय दिस इज आर्गस एकेडमी। अब अगर मान लो इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, हाय दिस इज आर्गस एकेडमी वी आर स्टूडेंट ऑफ, वी आर स्टूडेंट ऑफ, मान लो हम लोग लिखते हैं आर्गस एकेडमी सपोज दैट। अब यहां पर देखो, अब यहां पर हम स्लैश लगा दिए, अब अंतर क्या होगा, हमें लगा दिया। अब इसको फिर हम लोग क्लोज कर लेते हैं, अब फिर हम लोग इसको रन कराते हैं। तो पिछले बार देखो हम लोग यहां पर देने के बाद हम लोग को स्लैश देना पड़ा था, अब इस बार नहीं देना पड़ेगा। अब क्या प्रॉब्लम हो गया चलो देखते हैं। अब हम लोग इसलिए यहां पर हो गया एंड एरर कहां पर है, हम लोग डिक्लेयर डिक्लेयर एंड हमको लग रहा है इसकी कैपेसिटी बढ़ गया होगा, इसको 100 कर लेते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं इस तरह एरर आता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि एरर आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व कैसे करते हैं इसको। हम लोग यहां पर चलो देखते हैं, हाय दिस इज आर्गस एकेडमी वी आर स्टूडेंट ऑफ आर्गस एकेडमी। तो ये हम लोग ने देखा कि हमारे पास पीएल को कैसे हम लोग ने क्रिएट करना सीखा, पीएल को कैसे हम लोग लिखने का काम करते हैं इसको देखा, और हम लोग ये देखे कि ये एरर रन कैसे कराते हैं ये समझा, और ये एरर कैसे देता है, एरर बहुत जरूरी है, एरर को रिएक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग ने देखा कि एरर अगर आता है तो उसको हम लोग कैसे रिएक्टिफाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग करेक्ट करके फिर कैसे हम लोग रन कराने का काम करते हैं इसको हम लोग ने समझा। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।